नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई विभिन्न विभागों के राजस्व विभाग की ई पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ने की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को यह अवगत करवाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ई पंजीकरण के लिए मॉडल राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसका परीक्षण पूरा हो चुका है और 11 अगस्त 2020 से राज्य में लोग ई अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में स्थित भूमि जो कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम 1975 समय समय पर जो संशोधित किया गया है उसकी धारा 7A के तहत घोषित अधिसूचित है और वे गांव जहां पर जमाबंदी भी वर्तमान में ऑफलाइन है वेब हेलरिस्ट पर उपलब्ध नहीं है, संबंधित भूमि के विलेख का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ समय के लिए नियंत्रित क्षेत्र में भी भूमि विलेखों का पंजीकरण नहीं होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में कल 32 लाख संपत्तियां हैं जिनमें से 18 लाख संपत्तियों के डाटा को विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हालांकि शेष संपत्तियों को भी 31 अक्टूबर 2020 तक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम जिसकी लगभग 3.48 लाख संपत्तियाँ हैं 2009 से इन सभी संपत्तियों का डाटा डिजिटल किया जा चुके हैं। 58,000 अधिकृत भूमि भी में लगभग 26,000 भूमि का डाटा राजस्व विभाग द्वारा ई पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।